निजी स्कूलों में बिना परमिशन के लगे वाहन बच्चों को स्कूल से घर तक लाने ले जाने में लगे हैं। ये वाहन मानकों से अधिक बच्चों को कार में ठूस कर ले जाते हैं और उनकी जान को जोखिम में डालते हैं, लेकिन कभी यातायात पुलिस के द्वारा इन लोगों को चालान करते नहीं देखा जाता। इस ओर ना तो विद्यालय प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी निभाता है और ना ही इन बच्चों के माता पिता। आज एक ऐसे ही वाहन का वीडियो हमारे संवाददाता के कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें वाहन हाईवे पर खराब हुआ तो उसके बच्चे धक्का लगाते नजर आए। हालांकि वाहन खराब था तो धक्का लगाने में कोई बुराई नहीं थी, बच्चे तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन इसके पीछे नजर आ रहा था कि खराब हुए वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को भरा गया था, जबकि निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूलों को मनमानी फीस का भुगतान किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं का दावा करने वाले अधिकतर शिक्षण संस्थानों का बुरा हाल है। ये बच्चों की सुरक्षा का दावा तो करते हैं, मगर बच्चों को घर से लाने ले जाने के लिए जिन वाहनों को विद्यालय में लगाया जाता है उनकी परमिशन तक नहीं होती। निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में चलाया जा रहा है, बल्कि मानकों को ताक पर रखकर बच्चों को जोखिम में भी डाला जा रहा है। झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर जब एक ओमिनी कार खराब हुआ तो कार में सवार बच्चे स्कूली वाहन को धक्का मारते नजर आए। बच्चों से बात करने पर पता चला कि ये स्कूल वाहन मऊरानीपुर के एक निजी स्कूल लक्ष्य पब्लिक स्कूल का है। इस वाहन को मऊरानीपुर से बगरौनी बच्चों को लाने और छोड़ने के लिए प्राइवेट तौर पर लाया गया है। वहीं चालक आराम से ड्राइविंग सीट पर बैठा था और बच्चों से धक्का लगवाया जा रहा था। फिलहाल यातायात के लिए सभी को जागरूक करने वाले RTO विभाग और यातायात पुलिस को जागरूक होने की आवश्यकता है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम देवराज यादव है। कहाँ से हो? मैं बगरौनी से हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? लक्ष्य पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? सिक्स क्लास में। आप लोग गाड़ी को धक्का क्यों लगा रहे थे? गाड़ी का गैस खत्म हो गई है, अंकल जी आने वाले हैं तो पेट्रोल पंप तक दे रहे थे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।